चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे मुस्लिम देशों में आक्रोश है। चीनी अधिकारियों के अनुरोध के बाद एप्पल कंपनी ने चीन में अपने ऐप स्टोर से सबसे लोकप्रिय कुरान ऐप को हटा दिया है। कुरान ऐप दुनिया भर के मुस्लिमों में चर्चित है। वर्तमान में इस ऐप पर लगभग 1.5 लाख रिव्यू हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऐप पाकिस्तान में बना है, जिसे पाकिस्तान डेटा मैनेजमेंट सर्विस ने बनाया था। हटाए जाने के समय इस ऐप के चीन में 1 मिलियन से अधिक यूजर हो चुके थे। मीडिया रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के अनुसार कुरान ऐप पर ये एक्शन अवैध धार्मिक सामग्री के चलते लिया गया है। इस कार्रवाई की जानकारी सबसे पहले एप्पल सेंसरशिप नाम की वेबसाइट ने दी थी। ये वेबसाइट ऐप स्टोर में मौजूद ऐप की निगरानी करती है और उनकी गतिविधियों के बारे में अपडेट साझा करती है। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि चीन के इस कदम से क्यों मचा बवाल। एक आंकड़े के अनुसार चीन में हटाए गए ऐप कुरान मजीद के वर्तमान समय में दुनिया भर में लगभग 35 मिलियन यूजर हैं। ये ऐप मुस्लिम लोगों में बेहद लोकप्रिय है। एप्पल के इस कदम का मुस्लिम जगत में विरोध भी शुरू हो गया है। मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ब्रिटेन यानी कि मैब ने इस कदम को इस्लामोफोबिया का नाम दिया है। अमेरिकी राजनेताओं ने तो एप्पल के सीईओ टिम कुक पर आरोप लगाया है कि वो अमेरिकी राजनीति के बारे में तो बोलते हैं, लेकिन चीन के बारे में चुप रहते हैं। आपको बता दें कि चीन एप्पल के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। ये स्पष्ट नहीं है कि ऐप ने चीन में किन नियमों को तोड़ा है। ऐप बनाने वाली कंपनी PDMS ने कहा कि अवैध इस्लामी सामग्री को जगह देने के कारण चीन में ऐप स्टोर से हमारी ऐप हटाई गई है। इस मामले में हम चीनी अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। चीन में कुरान ऐप के करीब 1 मिलियन यूजर थे। चीन पर शिनजियांग में अक्सर उइगर मुसलमानों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन और यहां तक कि नरसंहार का आरोप लगाया जाता रहा है। चीन में रहने वाले मुस्लिमों के मानवाधिकार हनन की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। इसी वर्ष शिनजियांग प्रांत में उइगर इमामों पर चीनी सरकार के अत्याचारों की खबर सुर्खियां बनी थी। इतना ही नहीं, वहां मुस्लिमों के नरसंहार और उन्हें जेल में डालने जैसी घटनाओं पर पहले भी कई देश आपत्ति जता चुके हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि पाकिस्तान और भारत के कई लिबरल बुद्धिजीवी चीन के इस कदम पर खामोश हैं।